हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एलटी से, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। एंड दोस्तों, यदि आप इन सब कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। उन सब वीडियोज को आप वॉच कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे एमसीक्यूज लाती हूँ दोस्तों, इसको देखना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? इसका सही जवाब है, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। दोस्तों, व्यायाम से मांसपेशियां लचीली बनती है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए जिस अंग में दर्द हो रहा है उस अंग से संबंधित व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में चोटें कैसे लगती हैं? तो इसका सही जवाब है, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो खेल में चोटें लगने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर चोटों का इलाज किससे किया जाता है? तो गंभीर चोटों का इलाज ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन से किया जाता है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। यह तरंग इलाज के योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? मुक्त हस्त व्यायाम, प्रतीक्षा प्रशिक्षण, बेंडिंग व्यायाम, एंकलन व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, इसमें मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज, एंकलन व्यायाम यानी स्ट्रेचिंग, दोनों ही लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यायाम है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। लचकता बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए विधियां हैं बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, पिलर एंड फ्रीहैंड एक्सरसाइज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता होती है संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण, रोग के कारण? तो दोस्तों, कुपोषण के कारण एंड रोग के कारण, दोनों के कारण सारी विकलांगता होती है। इसलिए बी और डी यहाँ पे दोनों सही आंसर हैं। असंतुलित आहार या कुपोषण के कारण विटामिन खनिज लवण की कमी हो जाती है। इसका परिणाम कई बीमारियों जैसे रिकेट्स, मरास्मस, ऑस्टियोमलेशिया आदि रोगों का उत्पन्न होता है। इन सब का असर त्रुटिपूर्ण अंग विन्यास को पैदा करता है। शरीर में मनुष्य में शारीरिक विकलांगता अंग विन्यास कमियां विकृतियां मुख्यतः कुपोषण रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है किसके लिए? सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि माता पिता के लिए, अध्यापकों के लिए? सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दुर्घटना प्राय हर जगह, स्कूल के घर, खेल के मैदान, उद्योग कहीं भी होती है, इसलिए सबके लिए यह आवश्यक है जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? जैसे कि इलाज या प्राथमिक रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य प्राथमिक उपचार में दोस्तों सर्वप्रथम है रोकथाम करना, प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण में जांच की जाती है रक्त की, रक्त मूत्र की, बलगम लार की, उपयुक्त सभी की? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रक्त मूत्र की जांच की जाती है। डोपिंग परीक्षण में रक्त मूत्र की जांच की जाती है। प्रतिबंधित दवाओं का सेवन जो खेल में खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित करे डोपिंग कहलाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है,
पता है इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन की चिकित्सा विधि को एक्यूपंक्चर बोलते हैं। यह चीन की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। शरीर पर मौजूद कुछ बिंदु कई रोगों का उपचार करने की क्षमता रखते हैं। एक्यूपंक्चर इलाज की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर सुई के प्रयोग से रोग को दूर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था पिनकस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पिनकस ने रोग निरोधक गोलियों का आविष्कार अमेरिकी जीव वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता ग्रेगरी पिनकस द्वारा किया गया है। विशेष योगदान से संभव हो पाया इनके ही। पिनकस ने मार्गरेट सिंगर, कैथरीन मैककॉर्मिक तथा जॉन रॉक की सहायता से कई वर्षों के प्रयासों के बाद गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया। इनके इसी योगदान के कारण ही उन्हें गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार कहा जाता है। 9 मई 1960 को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अमेरिका द्वारा इस गोली को बनाने एवं उपयोग हेतु मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग यानी मिर्गी जिसे बोलते हैं और अंग्रेजी में एपिलेप्सी बोला जाता है, यह किसका रोग है? मस्तिष्क का रोग है जिसे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नाड़ी संस्थान। एपिलेप्सी किस रोग, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से। यदि मिर्गी मस्तिष्क का रोग है जिसे अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं। मस्तिष्क में छोटी छोटी असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हें विद्युत तरंगों का संचार होता है। इन्हीं विद्युत तरंगों से मस्तिष्क का कार्य होता है। ऐसी तरंगों के असामान्य मात्रा में बनने से शरीर में होने वाली गति, संवेदना या मानसिक परिवर्तन को मिर्गी का दौरा कहते हैं। जब ये दौरे बार बार आते हैं तो उसे मिर्गी रोग अपस्मार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है? कौन है? हड्डी का टूटना, कि खेलते हुए दर्द होना, कि बहुत कमजोरी होना, कि ए और सी दोनों। देखो हड्डी का टूटना तो दीर्घकालीन चोट है नहीं, तुरंत का चोट है। बहुत कमजोरी होना ये भी नहीं है। इसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऐसा है, खेलते हुए दर्द होना। किसी बहुत पहले के चोट के कारण ही बहुत बाद में कुछ कार्य करते हुए दर्द होता है, तो दीर्घकालीन चोट का उदाहरण है। खेलते हुए दर्द होना दीर्घकालीन चोट का उदाहरण है। पुरानी चोटें सामान्य परिस्थिति में दर्द नहीं करती है, लेकिन खेलते समय इन पर सामान्य अवस्था की तुलना में अधिक दबाव पड़ने पर दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद की चोटों के पुनर्वास में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संशोधित व्यायाम, की जलीय उपचार, की हिम उपचार, कि इनमें से कोई? इसका सही जवाब है संशोधित व्यायाम। दोस्तों पुनर्वास की 3 विधियां होती हैं, एक कैटी एक्सरसाइज, एक मनोवैज्ञानिक उपचार और तीसरा फिजियोथेरेपी। तो इसका उत्तर आप ध्यान पूर्वक दीजिएगा, 3 में से कोई ऑप्शन में रहेगा तो वही सही रहेगा, या कैटी एक्सरसाइज या मनोवैज्ञानिक सहायता और फिजियोथेरेपी। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, संशोधित व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज, यानी खेलकूद की चोटों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन में संशोधित व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ व्यायामों को चरणबद्ध तरीके से कराकर चोट वाले अंग या स्थान को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है?
क्या प्रयोग करने से पुनर्वास होता है? पुनर्वास का मतलब पुनः पुनः वापस लौटना, यानी पहले वाली स्थिति में आना। तो इसका सही जवाब होगा करेक्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित चार पहलुओं का विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताइए जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये चारों ऑप्शन जो हैं ये दिल के दौरे के लिए कारण बनती हैं, बट आपको उस ऑप्शन को चुनना है जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसमें उच्च रक्तचाप, मोटापा एंड उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल एंड तंबाकू का सेवन, इस चार के चारों आपके हैं दिल के दौरे के संभावित कारण। बट इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जिसके चलते कैंसर भी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त ब्लॉक के कारण ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉक किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों या रक्त वाहिनियों में जब जम जाता है तो हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, इसके कारण वाहिका के आंतरिक द्वार जो है संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक रोग के रूप में भी श्रेणीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अस्थमा यानी दमा। एक एलर्जी जनित रोग है जिसमें श्वसनीय नलिकाओं का बार बार प्रयोगी संकुचन होता है तथा रोगी को निश्वसनीय कष्ट होता रहता है। एलर्जी एक प्रकार का संवेदनशीलता का गुण है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के शरीर की जीवित कोशिका अथवा उत्तक एलर्जिक वस्तु या परिस्थिति के उपस्थित होने पर अधिक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक तनाव कारक भी हो सकता है जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उत्प्रेरक कर सकते हैं। इन कारणों से अस्थमा को साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दमा यानी अस्थमा को, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं, दुबला पतला शरीर आकार, शरीर का घनत्व, मोटापा शरीर के शरीर आकार, मोटा शरीर आकार, प्रतिशत शरीर वसा। तो दोस्तों शरीर संरचना वाली कंपोजिशन में दो चीजें शामिल होती हैं, एक लीन बॉडी मास एक फैट बॉडी मास। यानी दुबला पतला शरीर लीन बॉडी मास, फैट बॉडी मास यानी मोटा शरीर वाला आकार। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक और तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन बॉडी मास है तो लीन बॉडी मास क्या है जिसमें वसा न हो? यानी कि मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संहत जानु यानी नाक में जेनु वल्गम जिसे कहते हैं, ये एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे योगासन से ठीक किया जा सकता है। नाक में होता क्या है दोस्तों, जेनु घुटने टकराते हैं एक दूसरे में सट जाते हैं, जो इसे ठीक किया जा सकता है इसके ऑप्शन नंबर सी का आंसर, गोमुख आसन से। और क्या क्या करके ठीक किया जा सकता है कि दोनों घुटने सतना नियमित घुड़सवारी करके कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन गुमुखासन अवश्य करना चाहिए, दोनों घुटने के बीच तक क्या रखें, कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे खड़े रहें, वर्किंग टेलीपर्स का प्रयोग करें, कॉल डियर आयल का प्रयोग करें, कमी विकृति होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के एक तत्व के रूप में
आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है। तो दोस्तों, इंद्रियों पर नियंत्रण आत्मनियंत्रण की बात प्रत्याहार में कही गई है। दोस्तों, जिसमें इंद्रियों को नियंत्रण करने योग्य हो जाता है इंसान, यानी वास्तव में मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। दोस्तों, अष्टांग योग में पतंजलि योग में या हठ योग में योग के 8 चक्र बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा का मतलब आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का सक्षम होना प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेद की गोली में प्रमुख संगठक है? तो इसका सही आंसर है बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स क्या है? यह ऐसा दवा है जो किडनी तंत्रिका तंत्र अवसाद यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंस के रूप में कार्य करता है। यह मेद की गोली में प्रमुख संगठक के रूप में उपस्थित रहता है जिससे मेद की गोली शांति कर औषधि के रूप में सही तरीके से अत्यधिक मात्रा में सेवन मौत का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो ला सकूँ। एंड दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो नेक्स्ट टाइम नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।